खबर है सूरत की। सूरत में पिछले 14 माह से कोरोना के कारण स्कूल बंद है और बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो रही है। शिक्षा के इस नए पैटर्न ने स्टेशनरी, स्कूल ड्रेस एवं शिक्षा से जुड़े अन्य कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। स्टेशनरी व्यापार के मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स को पिछले एक साल में 1,000 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। इससे जुड़े अन्य सेक्टर को भी शामिल कर लिया जाए तो यह घाटा 2,000 करोड़ से ज्यादा का है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के कारण आगामी कुछ माह में यह घाटा दोगुना यानी 4,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। एक साल में कागज के दाम 15% तक बढ़ गए हैं। किताब, नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्कूल यूनिफॉर्म एवं अन्य स्टेशनरी आइटम की डिमांड एकदम कम हो गई है। स्कूल यूनिफॉर्म बनाने वाले एक व्यापारी ने बताया कि उनका व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका है। हमारा हर साल 50 लाख का व्यापार हो जाता था, लेकिन इस बार सब बंद है। स्कूल यूनिफॉर्म की सूरत में करीब 100 दुकानें हैं। इसके अलावा बड़े व्यापारी भी हैं। स्कूल यूनिफॉर्म का सूरत का सालाना 100 करोड़ और पूरे गुजरात का 1500 से करोड़ रुपए का व्यापार होता था। डिमांड नहीं होने पर व्यापारियों ने दूसरा धंधा शुरू कर दिया। पहले नया सेशन शुरू होने से पहले जनवरी फरवरी में स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरर्स के पास हजारों लाखों के ऑर्डर होते थे। उन्हें दिन रात का काम करना पड़ता था। अब वे फैक्ट्रियां बंद करके घर बैठे हैं। फैक्ट्रियों में तैयार माल खराब हो रहा है। अभिभावकों का कहना है कि ऑनलाइन स्टडी के कारण अब किताबों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो खरीद कर क्या करेंगे।